हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही कॉमन जो है नोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्लैट नोज। कैसे फ्लैट नोज को ट्रीट किया जाए। दोस्तों, फ्लैट नोज अगर किसी को होता है तो पेशेंट को बहुत डिसकंफर्ट फील होता है, उसको सोसाइटी में भी जो है उसको पिक्स वगैरह लेता है तो बहुत बड़ा पेशेंट को जो है वो उसको अनकम्फर्ट फील होता है। सबसे पहले जानेंगे फ्लैट नोज की क्या रीज़न है। दोस्तों, फ्लैट नोज एक कंजेनाइटल होता है। बहुत बार कुछ पेशेंट्स का जन्मजात जो है नोज बिल्कुल फ्लैट होता है, जिसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बिंडर सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि नोज का जो आगे का पोर्शन है, नोज का ये जो हाइट है, ये क्या है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ये जो कोलुमेला पोर्शन है, ये भी बिल्कुल फ्लैट होता है, और बिल्कुल फ्लैट होने के कारण ये जो पार्ट है ये वाइट हो जाता है, जिसको हम बाइंडर सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रॉमा या चोट के कारण भी नोज जो है कोलैप्स हो जाता है, जब भी नोज फ्लैट हो जाता है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, नाक के बीच की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको सेप्टल एप्सिस बोलते हैं, हिमेटोमा बोलते हैं, उसके कारण भी जो है फ्लैट नोज हो जाता है। सो दोस्तों, ये विभिन्न कारण है जिसके कारण फ्लैट नोज होता है। नाउ, क्या इसका मैनेजमेंट है। दोस्तों, फ्लैट नोज का जो मैनेजमेंट है वो सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से करते हैं। इसमें जो है आपका नोज बिल्ड किया जाता है, और बिल्ड करने के लिए अपने को ग्राफ्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है। बहुत बार जो प्राइमरी केसेज होते हैं, यानी जिसका कभी सर्जरी वगैरह नहीं हुआ, उसको नाक के बीच की जो पत्ती हड्डी होती है उसको इसको रिकन्स्ट्रक्शन और नोज को उठाने के लिए यूज में लिया जाता है। बट अमूमन देखने को मिलता है कि अगर आपका नोज बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो उसके लिए आपको हम कोंकल कार्टिलेज, कान की, या फिर यहाँ रिब का एक पोर्शन लिया जाता है, उससे उस नोज को बनाया जाता है। दोस्तों, लोगों में बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि अगर रिब का पार्ट निकाल लिया जाए या कान का जो है हड्डी निकाल ली जाएगा तो मेरा कान ख़राब हो जाएगा, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको निकालने से ऐसा नहीं है कि नोज सुंदर बनाने के लिए अपन ने कान या रिब ख़राब कर दिया। दोस्तों, एक पार्शियल पार्ट निकाला जाता है, उससे उस अंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर उस पार्ट को हम लेके और उसको जो है बड़े तरीके से स्कब करके है और इस नोज को पूरा बनाया जाता है, जिसको ऊपर की हाइट और इन दोनों को, ये करीब करीब 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर के बाद नोज के ऊपर एक छोटा प्लास्टर और स्प्रिंट लग जाए, जिससे अपने को 10th डे अपन उसको रिमूव करते हैं। दोस्तों, जब 10th डे अपन प्लास्टर हटाते हैं तो नोबडी कैन रिकग्नाइज, किसी को ये पता नहीं लगता कि अपन ने कहाँ से किया है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि मेरे चीरा लग जाएगा, मेरे निशान लग जाएगा। इसमें बाहर से कोई चीरा या निशान ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों, आई होप दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लैट नोज करेक्शन इज़ यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ यू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड, फैमिली एंड कलीग, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द फ्लैट नोज। एंड जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक और नोज से रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।